पांच वर्ष ना, दो वर्ष में हम बिहार के सबको ऐसा सोच कर देते हैं। अगर वहाँ जब हमारा 50 को एम एल ए रहते हल तो केवल हिम्मत हल कि हमारा चीफ मिनिस्टर कैसे हल ना है कैसे हल चीफ मिनिस्टर हमारा बनावल गए हैं। अगर वहाँ जब हमारा 50 को एम एल ए रहते हल तो केवल हिम्मत हल कि हमारा चीफ मिनिस्टर कैसे हल ना है कैसे हल ना है कैसे हल। तो पाँच वर्ष ना, दो वर्ष में हम बिहार के सबको ऐसा सोच कर देते हैं, दिखा देती है कि अनुसूचित जाति के लड़का में भी होवा है बुद्धि की ना हो ऐसे, लेकिन वो तो हो ना। तो यही वजह से कहा चाहिए भीम आर्मी के लोग, अपन नौजवान साथी के लोग, कि अपन नेता चुना, अपन आदमी वोट दे के जाए कि वहाँ हुआ कोई डिगावे ना, अब न तो हुआ तो डिगावे तक जाए। वहाँ अगर दूसरा कम चार पाँच को जाए ना तो वो सब बात में राजनीति का वो चला। बाबा भीमराव अम्बेडकर हमारा बड़का बात बने तो पेपर वाला जहाँ ये बात निकाल दे तुम ना तो कल हमारा रास्ता चलना मुश्किल हो जाए। लेकिन वो कहलथिन है संविधान के बारे में, यदि कहा हो कि बनेलथिन है तो जनाब का कहलथिन है कि अगर इस संविधान के जलावे की जरूरत होती तो सबसे पहले हम जला दें। अब जो बनेलके है से कहते कि हम संविधान के जला दे हो, कितना दुख होकर दिल में होते। अपन मन से तो न बनेलके, वो बहुत सी बात तो में नए से उन्हें, लेकिन एक बात तुरंत कहलते वो जो तोरा हमारा समझे से कि संविधान कितनो खराब होवे, अगर संविधान के चलावे वाला आदमी ठीक होगा तो कोई काम न बिगड़, और न तो संविधान अगर बहुत बढ़िया है और चलावे वाला आदमी खराब होगा तो फिर हालत खराब हो जा। कहलन है आज हो रहा है कि न हो रहा है। आज संविधान में तो हो कि हमें क्या आरक्षण मिला, लेकिन आज चलावे वाला का करे था, रेलवे के प्राइवेटेशन, जहाज के प्राइवेटेशन, फाइनेंशियल कंपनी के प्राइवेटेशन, खदान के प्राइवेटेशन, सब प्राइवेट सेक्टर में जाए था। और जहाँ आरक्षण न है तब आरक्षण हमारे समाप्त हो गए थे कि हमारा बचे थे तो ये होने लगे है। और अगर सही बनावे वाला आदमी रहता थी हल तो जितना परसेंट आरक्षण के बाद हल उतना परसेंट प्राइवेट सेक्टर में भी देता थी हल तब ना हमारा नौकरी मिलते, हमारे बाल बच्चा ओकरा में ऑब्जर्व होते हल तो वो न करे थे। तो यही है कि संविधान चलावे वाला आदमी बेदर रह थी, उनका दिल में ये गुदगुदी न है कि गरीब के लोग भी कैसे आके जीते, ओकरा नौकरी न देवी तो कैसे जीते, लेकिन आज न हो रहा। तो इस वजह से बाबा अम्बेडकर के कथना अनुसार हमनी के प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन हो, एक लिए जरूर लड़ाई करके चाहिए। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।